विधानसभा चुनाव को लेकर कल्पना मैडम यहां पहुंची हुई है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिमरिया का विधानसभा चुनौतीपूर्ण रहेगा। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने मनोज चंद्रा को यहां भेजा है सिमरिया में, क्या लग रहा है कि आपका परचम यहां लगाने वाला है? देखिए, हमने भेजा नहीं है, ये यहीं के बेटे हैं और इनके परिवार ने कुल मिलाकर अगर आप गिनती करेंगे तो आप 50 वर्ष दिए हैं पिताजी ने, इन्होंने खुद मिला करके। तो मैं ये समझती हूँ कि झारखंड में युवाओं को जिस तरीके से झारखंड सरकार मौका दे रही है, हमारे झारखंडी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ये पहली बार है कि सिमरिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने वाला है और लड़ने के साथ एक मजबूत व्यक्तित्व, एक युवा साथी है, तो एक युवा झारखंड को युवा नेतृत्व की जरूरत है। और सिमरिया के लिए इनसे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट इनका बेटा और इनका यहाँ का भाई, इनसे ज्यादा और अच्छा हो नहीं सकता। मैया सम्मान की योजना के बाद गोगो योजना लाते हैं भाजपा, इसके बारे में क्या कहना है? अब कुछ बोलना नहीं है, चारों तरफ सिर्फ मैया ही मैया है और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि ये खुशियां आधी आबादी को अगर लाने वाले का काम किया है तो किसने दिया है? वो हेमंत सोरेन जी ने दिया है। तो इस तरीके से योजनाओं का नदिया गंगा जो बहाई है हेमंत सोरेन जी ने, हम चाहते हैं कि उनको पूरी बहुमत से हम लोग यहाँ पे सरकार बनाए और हमको ये जिम्मेदारी फिर दोबारा मिले और अपने भाई को जिताने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।